नमस्ते, सहायता विनायक शरणम। आज 16th डे है, 16 दिन, और हम ये साधना करते करते हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो आज आप सभी को और एक बार स्वागत है ये विनायक चतुर्थी क्लासेस के लिए, और आपका साधना और व्रत के लिए। और आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखने जाएंगे, और वो है आपका पोस्टपोनमेंट नेचर। या आप जब पोस्टपोन करते रहेंगे तो आप भगवान का आशीर्वाद को भी पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है। और आपको लेजीनेस भी आ जाएगा, और जब लेजीनेस आता है, मतलब आलसपन अगर बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपको आपका काम रुक जाएगा। तो दिस आर ऑल ऑब्स्टिकल्स, और यही ऑब्स्टिकल्स निकालने के लिए है हमारा सहायता विनायका गणेश जी। केवल हमारा ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने के लिए हैं, लेकिन पहले हम ये तो जाने कि व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। तो लेजीनेस, पोस्टपोनमेंट, बहुत सारे हैं ऑब्स्टिकल्स। अभी हम आज देखेंगे लेजीनेस एंड पोस्टपोनमेंट, ये कहाँ से आ रहा है। कल हम डिस्कस कर रहे थे हमारा फियर्स के बारे में, जो हमारा भय भय, ये भी देखा था कि फियर इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। जो कुछ भी भय है, भय तो अलग प्रकार के हैं, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। भय अलग अलग प्रकार के हैं। यू हैव फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब जो रिजेक्ट करेंगे लोग, आप ठीक नहीं है, इस तरह वो भय है कि वो लोग ऐसा ना सोचे। और फियर ऑफ फेसिंग एल्डर्स, बड़े लोग हैं तो उनसे बात करने के लिए या उनसे मिलने के लिए आपको एक डर रहता है। फियर ऑफ स्टेज, मतलब स्टेज के ऊपर जाकर बात करना, पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो इस तरह बहुत सारे फियर हैं, फियर ऑफ हाइट्स, एंड देन फियर ऑफ वाटर, एंड देन फियर ऑफ डार्कनेस। तो ये सब, ऑल दिस भय जो है, वो भय के वजह से आप पोस्टपोन करते हैं। पोस्टपोनमेंट कहाँ से आता है? जो बात को ठाल देते हैं, मतलब आज करने वाला कल करेंगे बोलेंगे, अब करने वाले बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, नहीं तो कल करने वाला और 10 दिन के बाद करेंगे। तो इस तरह जब पोस्टपोन करेंगे, तो वो पोस्टपोनमेंट कहाँ से आ रहा है? भय के वजह से आ रहा है। कोई स्मोकिंग करते हैं, सोचिए, और वो स्मोकिंग बंद करना चाहते हैं, नहीं मैं कल से बंद कर लूंगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं चाय चाय कल से मैं बंद कर लूंगा, नॉन वेजिटेरियन कल से बंद कर लूंगा, ड्रिंकिंग वो कल से बंद कर लूंगा, या बाद में एक हफ्ते बस मुझे थोड़ा मैं बिजी हूं उसके बाद में बंद कर दूंगा। तो दीज आर ऑल द यू आर ओनली चीटिंग योर सेल्फ। आप खुद को चीट कर रहे हैं, आप पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि आप भय डर है कि कहां आप ये बंद हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर बोल दूंगा तो, अगर नहीं करूंगा तो मैं कैसे फेस करूंगा। सो यू आर अफ्रेड ऑफ योर इमेज गेटिंग स्पॉइल्ड। आपका जो जो इमेज है, जो लोग सोचते हैं कि ये एक अच्छा आदमी है, बहुत सिंसियर है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, टाइम बहुत मेंटेन करता है, तो इस तरह जो कुछ भी लोग आपके बारे में सोचते होंगे करके आप सोच रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो वो जो आप लोग सोच रहे हैं करके आपका जो सोच है, वो आपका इमेज है। दैट ओनली इज योर इमेज, एंड दैट इमेज शुड नॉट बी शैटर्ड करके आप सोच रहे हैं। पीपल, वेदर दे आर थिंकिंग अबाउट यू आर नॉट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वेदर दे आर थिंकिंग एट ऑल लाइक दैट, द वे यू आर थिंकिंग दैट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तो वो आपका इमेज होता है। दैट इज योर इमेज, एंड यू हैव टू बिकॉज ऑफ दैट इमेज गेटिंग स्पॉइल्ड, वो भय है कि वो इमेज कहाँ टूट ना जाए। तो वो डर आपको पोस्टपोन करने के लिए लेता है। लेजीनेस ऑल्सो कम्स फ्रॉम देयर ओनली।
यू बिकम लेजी, यू फील वेरी, यू थिंक यू आर वेरी टायर्ड, बट सडनली आपको कुछ एक सोचिए, आपको एक लॉटरी आती है तो तुरंत वो लेजीनेस सब उठ जाता है, कैसे? सो दैट मीन्स समवेयर डाउन द लाइन आपका अपना फीलिंग्स, जो लेजी फीलिंग्स हैं, दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउविंग यू टू बी एनर्जेटिक. सो आपका जो थिंकिंग या आपका जो एनर्जी डाउन बोलते हैं, एनर्जी डाउन कुछ नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू गेट सम नाइस एक्सपीरियंस और समथिंग, समबडी हैज गिवन यू सम गुड न्यूज, तो ऑल योर एनर्जी विच वॉज नॉट देयर, द एनर्जी इज कमिंग. वेयर इज दैट एनर्जी कमिंग फ्रॉम? इट इज जस्ट दैट आपका जो एनर्जी डाउन बोल रहे हैं वो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? आपका भय है. You are afraid of something. You must know what you are afraid of. At that moment, आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज से अब डर रहे हो. ठीक है? So that is what you need to understand. So what are the different ways? You postpone. Now, आप examples सब खुद देख लीजिए. आप बोलेंगे कि आप अभी थोड़ा सोचे ये काम करना है. ना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑटोमेटिकली यू विल पोस्टपोन. सोचिए आप जाकर किसी से बात करना है, वो आदमी बहुत बड़े आदमी हैं, तो यू वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उनसे बात करना है, तो वो फोन उठाएंगे लेकिन फिर सोचेंगे कि क्या मैं अभी बात करूं तो वो क्या सोचेंगे, वो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं, तो कारण बताएगा माइंड आपको. माइंड इतना अच्छा कारण बता देगा, वो एक अच्छा अच्छा जस्टिफिकेशन जैसा लगेगा, लेकिन वो सच नहीं है, वो आपका भय है उनसे बात करने की. आपका माइंड जो बोल रहा है वो केवल एक स्टोरी है जो क्रिएट कर रहा है माइंड, क्योंकि यू डोंट वॉन्ट टू फेस दैट फियर. आई टोल्ड यू यस्टरडे, फियर इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स. वो सब आपका बुराइयों के लिए वो माँ है, भय. तो यू आर अफ्रेड टू टॉक टू दैट पर्सन एंड यू गिव सो मेनी स्टोरीज. द माइंड इज गिविंग सो मेनी स्टोरीज एंड यू बिलीव देम, दैट्स द ब्यूटी. आप उसको विश्वास कर देते हैं और वहां पे अटक जाते हैं. वही आपका बाधा है या ऑब्स्टिकल है. उसी ऑब्स्टिकल को सहायता विनायका को प्रे करके उसको निकालना है. और आपकी ओर से क्या करना है? यू हैव टू बिकम अवेयर. आपको देखना है, ऐसा क्लियरली देखना है कि मेरा डर के वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे डर के वजह से मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, मेरे डर के वजह से वो बात को टाल के लेजी बन जा रहा हूं, तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? सी दीज क्लासेस जो आप अटेंड कर रहे हो, ये आपका परिवर्तन के लिए है. ये आपका परिवर्तन के लिए, और वो परिवर्तन किस लिए है? आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल. अभी उदाहरण के लिए आप एक काम कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है और वो पैसा आएगा 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 करके आप क्या करते हैं, वो आएगा, ठीक है, लेकिन वो आएगा तब हम बहुत अच्छा तरह हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, इस तरह वेट करते रहेंगे और कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसी में उम्मीद में रखते हैं. लेकिन टाइम है आपके पास, आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, या कोई काम करके, मतलब कोई कुछ भी, आपके पास बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं, तो वो क्वालिटीज को देखकर यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट योर कोर कॉम्पिटेंसीज, व्हाट यू आर गुड एट, एंड वो काम कर सकते हैं. लेकिन लेजीनेस या आपका एक पोस्टपोनमेंट, वो बाद में आएगा आएगा करके, लेकिन खाली तो हैं तो कर तो सकते हैं. ऐसा मैं बहुत लोगों को देखा हूं. बहुत लोग आके मिलते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा, तो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं और वो पोस्टपोन करते रहेंगे. और वो भय भी है कि दूसरा मैं कोई काम करूंगा तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये होगा या नहीं होगा, सक्सेस आएगा या नहीं आएगा. अरे पहले तो जंप तो करो, कुछ तो करो, समथिंग, व्हाटएवर यू नो उसको तो करो, क्यों टाइम वेस्ट करना है?
वो केवल वो पोस्टपोनमेंट करके आप सक्सेस नहीं पा पाते। सो लाइक दैट, अगर ऐसा रहेगा, इसको क्लियर करो पहले। पहले यू सी, आपको अगर लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, या आपको विश्वास नहीं होता खुद के ऊपर या लोगों के ऊपर, या कुछ जो भी है वो डर है कि ये करेंगे नहीं करेंगे, जब तक वैसा रहेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वो सक्सेस नहीं आ पाएगा। तो वो ब्लॉक है, और वो सक्सेस लाने के लिए आपको भगवान से हेल्प लेना पड़ेगा। इसलिए चतुर्थी के दिन हम ये सब प्रे करेंगे, लेकिन जो कुछ भी प्रे करेंगे उस दिन वो सब ग्रेस आएगा, लेकिन जब तक ये ऑब्स्टिकल्स अंदर रहेगा तब वो ग्रेस आकर आपको कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बताइए आप। आपको प्रे कर रहे हैं मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा काम अच्छा हो जाए, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आके प्रे करते हैं। सोचिए आप, वरदान वर्कशॉप, हमारा जो वरदान वर्कशॉप 5 घंटे का या 8 घंटे का या पूरा दिन का होती है, तो वहां पे वर प्रसाद करेंगे भगवान। वर तो प्रसाद कर लेंगे, लेकिन आपका अगर वो आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन अगर आपके ब्लॉक्स हैं, ऐसा जो भय है वो होगा नहीं होगा और उसको पोस्टपोन करते रहेंगे, तो उसी में लगे रहेंगे, तो वो आशीर्वाद देने से भी वो फेल हो जाएगा, वो सफल नहीं होगा, वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये भय से बाहर आना है। और एक, अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम मुझे ये हो गया कि मुझे कैंसर हो गया होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा, तो इस तरह, या कोई डर है आपको, सोचिए आपको अगर डर है तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पोस्टपोन कर लेंगे, नहीं अभी जाएंगे, टेस्ट वेस्ट नहीं करना है हमको, टेस्ट करने से कुछ निकलेगा तो वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप नहीं जाएंगे, पोस्टपोन कर देंगे, आज नहीं कल एक दिन और देखते हैं, एक दिन और देखते हैं, एक दिन और देखते हैं, तब तक वो आपका डिजीज बढ़ जाएगा। और वो डर के मारे आप अननेसेसरली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं खुद को, लेकिन वो पोस्टपोन करके। लेकिन आप तुरंत जो भी है आप जाके टेस्ट तो कर लो, ताकि वो रूल आउट कर दो कि आपका कोई प्रॉब्लम था या है। और उसके लिए अगर सोचिए आपको डर भी है, तो आप भगवान को बोलो ना कि जो कुछ भी है आप खुद सर्जरी कर दो, मेरा प्रॉब्लम जो भी है वो आशीर्वाद से, वो ग्रेस से हील कर दीजिए। या सही अगर कोई प्रॉब्लम है भी, तो आप डॉक्टर, सही डॉक्टर मुझे मिले, क्योंकि कई बार ये भी हो जाता है कि एक डॉक्टर के पास गए तो वो कुछ दिए, उसके बाद वो काम नहीं किया तो नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर जाएंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो वहां पे आप स्ट्रांगली प्रे करिए। वैसे बहुत सारे कारण है, कारण तो मैं बता रहा था ना, जैसे आपका रिलेशनशिप में कोई हर्ट हुआ है तो वो भी, उनको क्षमा नहीं किए तो वो भी एक ऑब्स्टेकल रहा होगा। और दूसरा, जब आप किसी को हर्ट किए हैं, उनको दुख दिए हैं, तो वो कर्मा तो आएगा ही, इसलिए उसके लिए पश्चाताप पड़ेंगे तो वो कर्म कम हो जाएगा और जल्दी ठीक होंगे। ये सब थोड़ा हमको, थोड़ा वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्स, वी कैन नॉट बी लेजी। और अब मैं बोलूंगा कि आप अपने आप के ऊपर थोड़ा वर्क करो, तो आप फिर अरे कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जो भी है आपका माइंड में वो आएगा और पोस्टपोन कर देगा वो डर के मारे फिर से। तो इस तरह आपको देखना होगा कि कैसे आपका पोस्टपोनमेंट नेचर आ रहा है डर के मारे। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट फियर। नाउ वी विल गो इन टू द सोल्यूशन। लाइक जब भी आप पोस्टपोन करते हैं, तो जब देख रहे हैं कि आपको वो डर के वजह से आप पोस्टपोन कर रहे हैं, तो यू फेस द फियर। फेस द फियर इज व्हाट इज द सॉल्यूशन। नाउ लेट मी टेल यू, टू पोस्टपोन इज ए ट्रिक ऑफ द माइंड, इज येट अनदर ट्रिक ऑफ द माइंड फॉर इट्स कंटिन्यूड सिक्योरिटी। आप सिक्योर रहेंगे। टू पोस्टपोन इज द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी एंड टू पोस्टपोन इज डिनाइल ऑफ फ्रीडम फॉर एवर। मतलब क्या है, टू पोस्टपोन इज द
इज इट अनदर ट्रिक ऑफ द माइंड फॉर इट्स कंटिन्यूड सिक्योरिटी. मतलब वो इनसिक्योर हो जा रहा है भय के वजह से, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि क्या होगा. तो अभी आराम में है, क्यों उसके अंदर जाना है, क्यों वो भय के अंदर जाना है. इसलिए हम जैसे हैं वैसे रहने दिए करके वो इनसिक्योर, वो सिक्योरिटी में रह जाते हैं. तो वो सिक्योरिटी कहां चला जाएगा करके वो डर की वजह से आप पोस्टपोन कर देंगे, नहीं आज नहीं कल. मैं बोल रहा हूं वो जो कंफर्ट लेवल, आप कंफर्ट लेवल में रह जाएंगे तो प्रॉब्लम तो रहेगा ना. उदाहरण के लिए एक अच्छा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए. नाउ इधर से एक बिल्ली आया, उधर से आया चूहा. सो वो चूहा देखा बिल्ली को और चूहा ने आंख बंद कर लिया. बिल्ली क्या किया, चूहा डर के बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ली, डर गई ना तो वह आंखें बंद कर ली. बिल्ली ने क्या किया, खा लिया. आप आंखें बंद करना उपाय नहीं है, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन. पोस्टपोनमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन. आपको फेस करना पड़ेगा, यू हैव टू, वो चूहा जो है वो भाग जाना चाहिए, इट हैज टू रन अवे एंड इट हैज टू रेस्क्यू इट्स लाइफ. Here, if you close your eyes and just become secured, मतलब आंखें बंद करेंगे तो मैं बिल्ली नहीं देख रहा हूं, मैं कंफर्टेबल हूं, तो वो खा लेगा, वो छोड़ेगा नहीं. बिल्कुल उसी तरह लाइफ में सिचुएशंस आपको खा लेंगे, वो सिचुएशंस से आप डरने से कुछ नहीं होने वाला. सो यू हैव टू फेस द ट्रूथ एंड फेस द रियालिटी. तो आपको अगर थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है, आप टायर्ड भी हैं, अगर आपको कुछ सक्सेस चाहिए तो आप थोड़ा मेहनत करके और वो भय को फेस करके जाना पड़ेगा. अगर सोचिए आपको स्टेज फियर है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो यू हैव टू फेस दैट. दैट इज आप जाकर माइक उठा के बात करना है, जो मैं गलतियां करें नो प्रॉब्लम, जस्ट फेस इट. You have to face the fear. आपको नर्वसनेस आएगा, लोगों को सबको एक बार देखकर आपको डर लग रहा होगा कि करें क्या करें, आपको सब्जेक्ट नहीं है, आपको बोलना नहीं आ रहा है और आपको डिस्टर्ब, मतलब नर्वसनेस से आपको ये होगा, मतलब हाथ भी कांपेंगे, पैर भी कांपेंगे और माइक भी ठीक तरह पकड़ नहीं पा रहे हैं, हिल रहा है हाथ. कोई बात नहीं है, हिलने दो. दैट इज वॉट इज आई एम टेलिंग यू, फेस इट, डू नॉट पोस्टपोन इट, फेस इट. तब क्या होगा, आपका वो जो अनकॉन्शियस फियर जो है वो शांत हो जाएगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा. और उसके बाद नेक्स्ट अगेन और एक बार जब माइक पकड़ते हैं और बात करते हैं तो वो डर ही नहीं है, आपको कम हो गया, खत्म हो गया, जो अंदर बैठा हुआ था वो बाहर आ गया. और अंदर जब तक है अनकॉन्शियस में तब तक वो डिस्टर्ब करेगा, जब बाहर आ जाएगा यू विल बिकम फ्री. तो वो फेस करना है, ये केवल एक विचार है, वो एक विचार है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन वो सच नहीं है, दैट्स ओनली अ थॉट. और उस थॉट से डर रहे हैं इसलिए पोस्टपोन कर रहे हैं. यू आर अफ्रेड ऑफ दैट थॉट. तो ये आपको देखना होगा, you have to go through that. So आप देखिए कब कब आप postpone कर रहे थे. और एक बात है, to postpone is the height of hypocrisy. क्यों hypocrisy? क्योंकि आप actually डर रहे हैं लेकिन story बता रहे हैं, justification दे रहे हैं कि नहीं नहीं अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जब ठीक हो जाएगा फिर मैं कर लूंगा, नहीं तो मैं अभी मेरा थोड़ा काम है वो काम कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद मैं कर लूंगा, नहीं नहीं मुझे अभी थोड़ा मौसम ठीक नहीं है इसलिए जब ठीक हो जाएगा फिर चलते हैं, गर्मी बहुत है इसलिए हम बाद में करेंगे. अरे बाद में जाएंगे तो आपका जो काम था वो तो रुकेगा नहीं ना, वो तो हो जाएगा, और कोई ले लेंगे जो आप सोच रहे हैं कुछ मिलेगा तो वो और कोई ले लेंगे, तब तक आप फिर बाद में सोचेंगे अरे पहले आता तो अच्छा होता, अभी क्या वो तो हो गया. सो यू आर अफ्रेड. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज आपके माइंड में आपका डर है लेकिन आप बोल क्या रहे हैं और कुछ कारण बता रहे हैं, जस्टिफिकेशन एक एक्सक्यूज दे रहे हैं.
तो देखिए कब कब आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, अभी फ्यूचर ही नहीं, अभी तक कितना किए ऐसा, तो वो अच्छा तरह एक 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 सिचुएशन याद करके अब देख लीजिए कि कब कब आप एक्सक्यूज दे दिए थे। तो टू पोस्टपोन इज द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, मतलब अंदर एक बाहर और एक, अंदर डर लेकिन बाहर बिल्कुल बहुत अच्छा तरह बता रहे हैं, कारण बता के आप पोस्टपोन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ रहा होगा, सो यू नो हाउ यू आर पोस्टपोनिंग। सो ये आप और एक बात, जब हम ये चीज बता रहे हैं तब हाँ हाँ हमारा हस्बैंड ऐसे ही ज्यादा पोस्टपोन करता है, नहीं तो हमारा वाइफ इतना पोस्टपोन करती है, मदर पोस्टपोन करती है, हाँ वो दोस्त भी ऐसा ही, मेरा बॉस भी ऐसा ही, ऐसे देखने से आपका ग्रोथ नहीं होगा ना उनका भी ग्रोथ होगा। आपका ग्रोथ तब होगा जब अपना पोस्टपोनमेंट देखेंगे। यू हैव टू सी योर पोस्टपोनमेंट नेचर। जो कुछ भी आप सुन रहे हैं अभी वो आपके अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने से ऑटोमेटिकली, अभी बाद में नहीं, बाद में करेंगे तो पोस्टपोन कर लिया, हाँ हाँ अभी किरण जी का क्लास में सुन लेते हैं सब कुछ और बाद में करेंगे, नहीं, नाउ एंड हियर, जैसे मैं बात कर रहा हूं आप इमिडिएटली देखिए कैसे आप पोस्टपोन किया अभी, फॉर एग्जाम्पल, हाँ बाद में करेंगे करके नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप देखते रहिए, है ना, मैं बात तो कर रहा हूं साथ ही साथ आप देखते रहिए कैसे आप पोस्टपोन किए, कब कब पोस्टपोन किए, आज सुबह भी पोस्टपोन किए होंगे, कल भी पोस्टपोन किए होंगे, तो वो देख लीजिए कब पोस्टपोन किया, याद आ जाएगा आपको। याद नहीं आ रहा है तो तुरंत प्रार्थना कर लीजिए, भगवान मुझे याद दिलाइए, कर तो रहे हैं पोस्टपोन, तो करते रहे हैं, लेजी भी होते रहे हैं, सुबह उठकर स्नान करके आके बैठो, बोलेंगे तो कोई बात नहीं, किरण जी को थोड़ा ही पता चलेगा, यू विल नॉट नो, मेरा तो वीडियो ऑफ है, मैं बोला था ना आपको साधना करने के लिए, साधना क्या है, सुबह उठने के लिए, आप खुद देख लीजिए ना, आप स्नान किए या नहीं, पूजा किए या नहीं, भगवान के पूजा मंदिर में है सब, लेकिन आप बोलेंगे नहीं काम है, ये है वो है, अगर चाहते तो थोड़ा आधा घंटे पहले उठ जाइए, ये तो भगवान साधना है। इतना अच्छे अच्छे चीजें आपको जो मिल रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसका कितना पैसा लगता है, हाउ मच यू हैव टू स्पेंड, इफ यू डोंट फॉलो और इफ यू हैव नॉट रिसीव दिस काइंड ऑफ टीचिंग्स पहले, और आपको ये करने से कितना फायदा होगा आप देख लीजिए ना, पोस्टपोन नहीं करेंगे तो एक बड़ा डील भी जो चला जा रहा था वो मिल जाएगा आपको, बिजनेस वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही कोई एक पोस्टपोन कर दिया, देखिए उदाहरण और एक मैं बता रहा हूं, रिलेशनशिप में आप अपना फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी ले लीजिए, आप कुछ उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे थोड़ा, मैं जाकर मैं माफी मांगूंगी या मांगूंगा करके आप सोचेंगे, माफी मांगने के लिए पोस्टपोन करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं आज वो आएंगे ना ऑफिस से, उसके बाद में बात करूंगा, और जैसे ही ऑफिस में आ जाएंगे तो आप खुद एक कारण बता देंगे खुद को कि अभी वो थके हुए होंगे, अभी बात करने से नहीं होगा, बाद में खाना होने के बाद बात करेंगे, खाना होने के बाद फिर वो टीवी देख रहे थे तो वो टीवी देख रहे हैं तो अभी वो उनका माइंड ठीक नहीं रहेगा, फिर एक काम करते हैं सुबह सुबह अच्छा रहता है, शाम को वो थके हुए होंगे तो सुबह सुबह फ्रेश रहेंगे तब बात कर लेंगे, और सुबह वो जाकर बात करते वक्त उस समय वो एक्चुअली थोड़ा बिजी बिजी में वो चले जा रहे हैं तो वो चले जाएंगे, शाम को फिर वापस आएंगे तो बात कर लेंगे, उनको सॉरी बोल देंगे। देखा कितने बार आप सॉरी बोल दिया, पोस्टपोन कर रहे हैं, और इसलिए जब माफी नहीं मांगे तो उनका दिमाग में और भी बहुत ज्यादा घृणा आपके ऊपर था, तो वो कुछ ऐसा डिसीशन ले लिए कि आपको कुछ मतलब वो और बात नहीं करेंगे, या नहीं तो आपको कोई सोचिए कुछ 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 भी आप एग्जांपल ले लीजिएगा, तो वो डिस्टर्ब होके वो आपका जो ठीक हो जाना चाहिए था, आपका काम हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ और वो लूज कर दिए,
मतलब वो सोचिए, वो किसी को, मतलब आप बिजनेस डील कर रहे हैं तो वो बिजनेस और किसी को दे दिए, क्योंकि यू आर अफ्रेड टू फेस और दैट पर्सन। ऐसा रहेंगे तो कैसे चलेगा आपको सक्सेस? कैसे भगवान आशीर्वाद दे देंगे तो आपका अपने आप सब कुछ हो जाना चाहिए, ये ठीक है क्या? डू यू थिंक दैट इज जस्टिफाइड? इज दैट द राइट थिंग टू डू? ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यू के नॉट बी लेजी एंड यू के नॉट बी पोस्टपोनिंग टू पोस्टपोन ग्रेस ऑल्सो। भगवान का आशीर्वाद भी आप पोस्टपोन कर रहे हैं। हम जब वरदान वर्कशॉप में अटेंड करो, आपका लाइफ चेंज होगा, आपका इच्छा पूरा होगा, तब जब हम बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो रहा है, फिर पोस्टपोन करेंगे कि इस बार हमको ये काम आ गया, नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो ऐसा पोस्टपोन करके आपका ग्रेस चला जाएगा। सो अब हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे, ठीक है? सो आप कॉन्टेम्पलेट करिए, थोड़ा आरती के बाद प्रार्थना होगा, लेकिन अब थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करिए ताकि आपका प्रार्थना में बहुत पावर रहेगा। उदाहरण के लिए आपको सोचिए आपका कब कब पोस्टपोन किया कर रहे हैं, कब कब आप लेजी बन जा रहे हैं, कब कब बन गए थे, तो वो सब याद कीजिए। अभी याद कीजिए, सब आंखें बंद करें, कुछ समय के लिए आप आंखें बंद करें। कैन वी हैव सम नाइस म्यूजिक ऑल्सो प्लीज? पुनीत जी, कैन यू प्लीज प्ले सम म्यूजिक एंड ऑल्सो मेक मी को होस्ट? Think of all those incidents where you have been postponing, and because of the postponement, you have lost something. वो भी देख लीजिए। आप बात को ठाल कर आप कुछ लूज किए, कुछ एग्जाम्पल्स आपके अपने लाइफ में, कुछ एग्जाम्पल्स पे ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए कि कैसे आपको प्रॉब्लम्स में चले गए बिकॉज ऑफ पोस्टपोनमेंट। बिकॉज ऑफकोर्स यू पोस्टपोन बिकॉज ऑफ द फियर, आपको भय की वजह से आप बात को ठाले हैं, पोस्टपोन किए हैं या लेजी हो गए, इसकी वजह से आपका अच्छा अच्छा चीजें होने वाले वो चले गए आपका हाथ से। ये आप कंटिन्यू करके प्रार्थना करेंगे कि ये भय आपका निकालना है भगवान, और उसके लिए आगे आपका साधना करेंगे और आप ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि आप वो पोस्टपोन ना करें और वो भय को फेस करके भगवान का आशीर्वाद द्वारा क्लियर करेंगे। तो अभी आरती शुरू करते हैं और उस समय आप वही प्रार्थना करेंगे। सो यू कैन स्टॉप द म्यूजिक नाउ प्लीज। फॉर आरती, और आप सभी आंखें खोल सकते हैं। अभी आरती शुरू करते हैं।
शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे 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 ॐ आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति अब आरती ले लीजिए। अब अपने अपने स्थानों पर प्रणाम कर सकते हैं। अभी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यानम् के श्वास पर ध्यान दीजिए। Become aware of your breathing. प्रार्थना करें। जो भी आप जब आप पोस्टपोन कर रहे करते आ रहे हैं या लेजीनेस आ रहा है, आपका भय है और वो भय ही निकलना है। यू हैव टू बी रेडी टू फेस एवर फियर कम्स।
फेस करने की शक्ति और ताकत भगवान को मांगे कि वो भय निकल जाए और वो शक्ति आए, ताकि आप आगे डरेंगे नहीं, पोस्टपोन नहीं करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। देन यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल। भगवान जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रार्थना करें कि वो भय निकाल दें और आप में वो साहस प्रसाद करें। You can pray to the Lord that the fear has to go away, because if the fear is there, you will keep postponing and become lazy. You will lose the opportunity. Even if the Lord blesses you with grace to fulfill the desire, it will not be fulfilled because your fear is an obstacle. So fear remove karke aapko bahut saahas dein, that the Lord has to bless you with courage. Okay, Father. You want to pray for someone whom you really feel they need the grace and blessings, then you can pray for them now. The Lord has to bless them with what they require. अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिनको भगवान का आशीर्वाद जरूरत है, उनको कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनके लिए प्रार्थना करें ताकि आपको भी वो सत्कर्मा मिले और उनको भी आशीर्वाद मिलकर वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। You can pray for the whole world that there are a lot of people who suffer, so let them be blessed, let them come out of their fear, so that they don't postpone and they become successful in their life. So, दुनिया के पास लोग के लिए प्रार्थना करें कि इतने लोग जो भी हैं उनका दुख वो भय की वजह से आ रहा है, तो वो भय निकलता है भगवान और वो साहस से अपने आशीर्वाद से सफलता पाए। अब आपके हेल्थ के लिए हीलिंग लीजिए। जो भी आपका हेल्थ प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाना है करके प्रार्थना करिए। तो नाउ यू रिसीव द हीलिंग फॉर योर हेल्थ इश्यूज, व्हाटएवर हेल्थ इश्यूज यू हैव, तो रिसीव द हीलिंग फ्रॉम द लॉर्ड। अभी हमारा सहायता हीलर्स वो हीलिंग देना शुरू करेंगे, भगवान ही आपको हील करेंगे। Healers will be giving you healing. Receive the healing for your health. Thank you.
श्री भगवान को धन्यवाद कीजिए फॉर व्हाटएवर ब्लेसिंग्स यू हैव रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग्स योर साधना प्रेयर द ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीलिंग्स भी भगवान को धन्यवाद कीजिए सहायता विनायका को धन्यवाद कीजिए कि आज की क्लास के लिए उसके बाद फिर वो आप प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना के आशीर्वाद पाने के लिए दूसरों को प्रार्थना करके वो सत्कर्मा के लिए और ये ही आपका हेल्थ के लिए धन्यवाद कीजिए। शांति 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 अभी आपको वो आशीर्वाद मिला और वो हीलिंग लिए तो वो नाड़ी एक्टिवेट रहेंगे उसको शांत करना है तो आप आराम करें शवासन में या बैठ कर भी आराम कर सकते हैं आंखें बंद करके रख सकते हैं या आंखें खोल कर सहायता विनायका के आंखों में स्क्रीन में देखते हुए आप रिलैक्स कर सकते हैं यू कैन नाउ कीप योर आईज क्लोज और कीप योर आईज ओपन Keep watching the Lord on the screen and relax for the next couple of minutes because your nadis are all activated during the healing, so they have to relax. Shant hona hai, has to be relaxed. You can either be in Shavasana or you can sit in a relaxed position and keep experiencing the silence. Okay, now gently open your eyes and keep looking at the Lord's form. And one last announcement which I want to make is tomorrow, again it is very important day, we'll be talking about how to increase grace in your life. Kaise aapko jeevan mein aashirvaad jyada mil sake. So that is what we are discussing tomorrow. Please try to share to as many people as possible. And by sharing only, you increase your grace also. So please ask people to join. And whatever you have learnt, जो कुछ भी आप सीखा वो अपने लोगों को बताते हुए बोलिए कि आप जरूर आए मिस ना करें अभी लास्ट डेज में ये आपका ग्रेस बढ़ जाएगा कल से वो ग्रेस बढ़ेगा इसलिए आप ज्वाइन कर लें उनको वो जूम लिंक भेज दें Please share that Zoom link to as many people and also do your part of your seva. It's not just about attending classes. By attending classes, you receive little grace, yes, but the maximum grace you receive by sharing it to somebody who will also receive the grace and that punya you will get. Matlab aapka account mein wo satkarma add hota jayega. Wo keval bolne se nahi, wo unko wo Bhagwan se milana hai. और उनको भी वो आशीर्वाद मिलना है और उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व होना है तब आपका अकाउंट में गिरे आएगा इसलिए आप बोलिए बहुत लोगों को ताकि कल का क्लास मिस ना करें कल से पूरा 27 सितंबर तक चतुर्थी के दिन तक
अटेंड करेंगे तो चतुर्थी के दिन उनको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी बात है, डेफिनेटली आप अर्चना पूजा में जो रजिस्टर नहीं किए हैं आपका नाम दे दीजिए और कंप्लीट कर दीजिए। आपको केवल 100 है, आई डोंट नो कितना है, अगर वो सीट है या नहीं भी मुझे मालूम नहीं है, वो हमारा ऑफिस देखती है। तो 100 लोग हैं उसके लिए, बरहमपुर वालों के लिए 40 हैं। तो आप डेफिनेटली अभी रजिस्टर कर लीजिए, जिन जिन का नाम से करना है कर लो। एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन के लिए, फैमिली के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो उसमें आपका गोत्रम नाम और संकल्प जरूरत है। तो मैं खुद प्रार्थना करूंगा उस दिन, वो बहुत पावरफुल रहता है। दक्षिणा तो केवल 101 रुपीज से, और वो भी आपका सामग्री के लिए जो आपको कुरियर किया जाएगा। और लोकल जो ब्रह्मपुर वाले हैं उनका सामग्री का, वो पूजा के लिए सब सामान प्रसाद सब अरेंज करते हैं, तो उसका खर्चा के लिए। वैसे आप जो कुछ भी दान में देना चाहते हैं वो दूसरा है, वो 101 ओनली फॉर द एक्सपेंसेस। सो दान में कुछ भगवान को देना चाह रहे हैं, संस्था के लिए देना चाह रहे हैं, ताकि वो सब लोगों के लिए, वो पुअर पीपल के लिए भलाई होना है, तो वो आप सेपरेटली दे सकते हैं। फिर मिलेंगे कल। नमस्ते। सहायता विनायक शरणम।